दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गोली मारकर अपनी जान देने वाले संत बाबा राम सिंह का आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में संगत भी बाबा राम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची। बाबा के दर्शन के लिए आने वालों का तांता लगा रहा। हर आंख नम थी, हर जुबा पर बाबा का नाम था, उनके संदेश थे, हर चेहरे पर बाबा का स्नेह उभर रहा था। लोगों ने बाबा को अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि दी। भाई पंथे सगल जमाते मन जीते जग जीत। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुरुद्वारे में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि बाबा ने किसानों के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कई दिन सिंधु बॉर्डर पर रहकर देखा कि किसान किस तरीके से रात के समय खुले आसमान के नीचे बैठा है और सरकार अब भी अपने अड़ियल रवैया पर बरकरार है। उन्होंने इस बात से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति किसानों के लिए दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि भावनाओं में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं, जिससे किसी के परिवार को कोई नुकसान हो। और साथ ही मैं सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से भी अपील करता हूं कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन करते रहें। अंतिम संस्कार होने के बाद दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बैठक करके आगे के आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी। देखो, संत जी जो कुर्बानी दे गए हैं वो सरकार को झिझोड़ने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, मतलब एक तरीका होता है। जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि कोई महापुरुष कुर्बानी दे तो जुल्म रुकेगा, ऐसे ही इनके मन में ये विचार आ गया कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार मान नहीं रही है, कोई बड़ी कुर्बानी कोई दी जाए तो सरकार उससे हिलेगी, सरकार उसको मानेगी। वो सोच के इन्होंने शहादत दी है, जो इनको तो कोई तकलीफ नहीं थी, लोगों की तकलीफ के लिए कुर्बानी दी है। ये बहुत बड़ा एक कदम है, ऐतिहासिक कदम है, और इनको किसान वर्ग क्या पूरा देश हमेशा इनको याद रखे। देखिए, माने तो ये राजहट है, राजहट देश के लिए कभी फायदेमंद नहीं होता, राज लोगों के लिए किया जाता है, ना के लोगों को लूटने के लिए। ये तो लोगों को लूटने के कानून और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के कानून बना रहे हैं, उसी से आहत होके पूरा देश आंदोलन कर रहा है, सभी वर्गों के लिए है। ये कोई किसान अकेले के लिए भी नहीं है, अलग बात है कि किसान ने शुरू किया, लेकिन पूरे देश के हर जनमानस के लिए है। और भुखमरी के कगार पे हमारा देश अब भी भुखमरी पहुंच गया है, 107 देशों भुखमरी वाले देशों में 94 देश पे हमारा देश 94 स्थान पे हमारा देश खड़ा है, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे। तो संत जी ने जो कुर्बानी दी है वो एक देश को जगाने के लिए और देश की व्यवस्था बदलने का काम करें, कि सारे भाई जो है वो संयम से काम लें। कल एक और हमारा कल के परसों कल 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 एक और हमारा भाई बाबा जी के प्यार में आके, और वो भी अपनी कुर्बानी दे गया है, ट्रैक्टर के आगे कूद गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया, वो परमात्मा को प्यारा हो गया है। कोई भाई ऐसा कदम ना उठाए, बाबा जी ने जो कुर्बानी दी है वो देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, ना कि इस तरह कोई अपनी जान का कोई नुकसान करे। कोई भाई ऐसा कदम उनके प्यार में आके, देखो सबको दुख है, सारे देश को दुख है, सारे उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने तो बचाने के लिए कुर्बानी दी है। कोई भाई ऐसा कदम ना उठाए जैसा कल उस भाई ने उठाया, कोई भाई अपनी जान इस तरह से ना गवाए। ये प्रार्थना है आपके माध्यम से, सभी जो बाबा जी के सेवक हैं खास तौर पे उन सभी से, या और भी जो हमारे भाई भावुक होके ऐसा कदम उठा लेते हैं, सबसे बाबा राम सिंह जी ने अपने जीवन दे विच सिख धर्म का बहुत बड़ा प्रचार किया है।
हमेशा लखां प्राणियों नूं उन्होंने जीवन दिता और सब धर्मां दा सत्कार करते सी। सर्व सांझी वाल सदायन को इन्हां दिसे वाहरा जीओ। हमेशा हिंदू भगत जिहड़े आ हिंदू जिहड़े संत आ जिहड़े ओह हमेशा उन्हां दे नाल हुंदे सी और मुसलमान फकीरां नाल हर धर्म नाल जिहड़ा उन्हां दा स्नेह सी और अपने दुनिया दे विच जा के उन्होंने बड़ा प्रचार किया और लखां प्राणियों को अमृतपान कराया और उन्होंने जो आ किसान अंदोलन चलता पाया ये वो जाके लंगर प्रशादा छकाते दूसरे तीसरे दिन जाके और कंबल वंडे पर उन्होंने मन में बड़ी वड्डी ठेस वजी कि जिहड़ी मोके की हुकूमत आ वो किसान जिहड़े आ वो सड़कां ते रुलदे फिरदे आ और उन्होंने कोई कोई ट्राली थले सुता है और बीबिया बच्चे भी किसानों के नाल है और जी तानाशाह सरकार है उसका रवैया जोड़ा बड़ा कठोर है और वो किसानों के जोड़े तिने कानून है जोड़े उन्होंने हल काम की नहीं सोचती पी और तहत बड़िया बड़िया पीड़ा जीडिया संत बाबा राम सिंह जी सी उन्होंने तहत ही उन्होंने अपना जोड़ा वो बलिदान दिता। अज लखा की तादाद के संगत ने आना क्योंकि उन्होंने अज संस्कार आ और अंगीठा जोड़ा बनाया गया है इतने संस्कार करना आज मानकसर साहिब में ही उनका संस्कार होगा गुरुद्वारा नानकसर साहिब में ही उनका संस्कार होगा। हाँ जी नानकसर साहब जो सीड़ा विखे है करनाल के कोल उत्थे उन्होंने जोड़ा अज संस्कार होना और बड़िया शख्सियत जीडिया जहेदार श्री अकाल तख्त साहब जहेदार केसगढ़ साहब कल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब होके गए और कांग्रेस के मंत्री जोड़े आ वो होके गए क्योंकि इतने कोई सियासत का मसला नहीं सी राजनीति का मसला नहीं सी वो सब नूं प्यार करते सी उन्हां दा राजनीति नाल वास्ता नहीं सी पर किसानां दे अंदोलन करके किसानां दीआं पीड़ां करके उन्होंने बलिदान दिता।